ये जो प्रेस मीट है ये मालेगांव शहर के एक्स मेयर माजी महापौर तथा जिल्हा अध्यक्ष मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल मालिक मोहम्मद यूनुस इनके ऊपर 27 मई पीर के दिन रात में 1 से 1:15 के बीच में कुछ नामालूम लोगों ने आगरा रोड पे शाह मटेरियल्स पर फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में कई राउंड्स फायरिंग हुई, लेकिन इसमें जो है 3 गोली जो है माजी महापौर अब्दुल मालिक को जो है वो लगी। पहली गोली लेफ्ट साइड में जो रिब्स होती है उसकी 4th रिब्स में एक गोली लगकर रिबाउंड होकर यानी टकरा कर जो है वो लेफ्ट साइड्स में जो है एक मसल्स है वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गई। दूसरी गोली जो है वो लेफ्ट साइड के थाई में घुटने के पास से ट्रैवल करती हुई जो ये ट्रायंगुलर जॉइंट है उस जॉइंट पर ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की पेशी होती है, उसके 1 सेंटीमीटर पहले जाकर वो बुलेट जो है वो गोली जो है वो रुक गई। तीसरी गोली जो है वो अब्दुल मालिक के राइट हैंड पर एल्बो जॉइंट में जो है वो लगी। बताने का मतलब ये है कि ये जो हमला हुआ, ये कातिलाना हमला जो हुआ, ये अब्दुल मालिक की जान लेने के लिए माजी महापौर अब्दुल मालिक को जगह पर ख़त्म कर देने के लिए ये हमला किया गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बरवक्त तिब्बी इलाज मुहैया होने की वजह से जो मेडिकल फर्स्ट एड जो मिलता है उसकी वजह से, शहरियान की दुआओं की वजह से शहर भर में हमारी माँ बहनों ने, भाइयों ने और शहर की मस्जिदों में, मदारिस में जो अब्दुल मालिक के लिए दुआएं की गई, उस दुआओं की बदौलत जो है अब्दुल मालिक की जान बच गई और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सर्जरी और 2 ऑपरेशन के बाद अब्दुल मालिक जो है, अब्दुल मालिक की जो रिकवरी है वो बहुत स्पीडी है, बहुत तेज़ में है, बहुत जल्द ही वो जो है सेहत याब होकर हम लोगों के बीच में रहेंगे। इस कातिलाना हमले में जो FIR दर्ज की गई शेख रेहान शेख सलीम की जानिब, शेख सलीम की जानिब से, उसमें नामालूम अफराद का ज़िक्र किया गया। पुलिस ने 28 तारीख को इस केस में 2 मुलजमीन को, 2 आरोपी को अरेस्ट किया। इसमें प्राइम अक्यूज जो अहम मुलजिम है वो शेख मंसूर शेख बशीर के नाम से उसकी पहचान की गई। और उसी दिन जो अरेस्ट हुआ दूसरा आरोपी, दूसरा एक्यूज जो था, उसका नाम खलील अहमद अब्दुल रजाक बताया गया। और आज तकरीबन इस हादसे को 16 से 17 दिन गुजर गए, पुलिस ने लगभग 10 से 11 मुलजमीन को इस केस में नामजद किया और कुछ मुलजमीन को अभी तक के मफरूर, एब्सकॉन्ड और फरार बताया गया है। बात यह है कि जिस दिन
ये हादसा हुआ। हादसे के बाद जब पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट की और पुलिस ने जो पत्रकार परिषद ली, उसमें आरोपियों का नाम ना जाहिर करते हुए और आरोपियों के स्टेटमेंट पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मामला जो है ये आपसी रंजिश और ज़मीन का मामला है। सवाल ये उठता है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो प्राइम एक्यूज, जो अहम मुलजिम शेख मंसूर शेख बशीर, ये गिरफ्तार जो किया गया पहले ही दिन, वो मालेगांव शहर के एक सियासी खानवादा शेख रशीद खानवादा और साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद का चचेरा भाई है। यहां पर अगर पुलिस ये चीज को मानती है कि ये जमीन का आपसी रंजिश का मामला है, तो जिस शख्स पर हमला किया गया अब्दुल मालिक, ये एक पार्टी से मुंसलिक है, एक पार्टी से वाबस्ता है, और शेख मंसूर ये शेख आसिफ का चचेरा भाई और शेख रशीद का सगा भतीजा है। शहर भी जानता है, पुलिस भी जानती है, हर आम और खास जानता है कि यूनुस ईसा खानवादा और शेख रशीद खानवादे की करीब 35 सालों से पॉलिटिकल राइवलरी या सियासी दुश्मनी कह लीजिए चली आ रही है, और इस बीच में दोनों खानदानों के दरमियान कई मर्तबा संगीन वारदातें हुई है। जैसा कि 2008 में कॉरपोरेशन के गेट पर एक मामला पेश आया जिसमें 307 का केस बना, उसी के साथ 2017 में शेख रशीद के बेटे खालिद हाजी के सामने कॉरपोरेशन इलेक्शन में मेरा यानी डॉक्टर खालिद परवेज का मुकाबला था, उस वक्त हम पर राइड का गुना दाखिल हुआ। इसी के साथ कॉरपोरेशन की जनरल बोर्ड में कई बार दोनों खानदानों के माबेन तकरार हुई। इसी के बीच ताहिरा शेख रशीद की दर्ज शिकायत पर मेरे वालिद यूनुस ईसा अब्दुल माजिद और मुझ पर जो है किला पुलिस स्टेशन में जो है गुना नोंद है। इस तरीके की जो है सियासी दुश्मनी कई दिनों से कई जमाने से चली आ रही है। इस बीच में शेख रशीद के भाई, मरहूम शेख रशीद के भाई मरहूम शेख खलील और माजी महापौर अब्दुल मालिक के बीच में फायरिंग का एक मामला भी जो है वो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो है उसकी एफआईआर जो है वो नोंद है। ये बात कहने और बताने का मतलब ये है कि कई तरह के संगीन वाक़यात इन दो खानदानों के बीच में रुनुमा होने के बाद, वाक़े होने के बाद भी पुलिस ने इस एंगल को जांच का एंगल नहीं बताया। सात दिन की या चार दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उसमें कोई कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए, उसमें भी एक आरोपी जो है शेख अकरम शेख बशीर, ये भी शेख मंसूर का सगा भाई है, ये भी आसिफ शेख रशीद के चचा का लड़का
और मरहूम शेख रशीद का सगा भतीजा है। पुलिस जांच इफेक्टेड ना हो ऐसा बताकर इस एंगल को आवाम के सामने अभी तक के नहीं लाया। माजी में यह देखने में आया है कि जब भी कोई ऐसे हादसा और वाकयात रोनुमा होते हैं तो पुलिस पहले मुख्य आरोपी का संबंध किस घर किस खानवादे से है यह डिक्लेयर करती है। और आज तक जो पुलिस के जरिए रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है उसमें कहीं से ये एंगल नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पुलिस ने एक यानी कई आरोपियों को अभी फरार बताया है इस केस में। उसमें से एक अहम नाम जो शेख रशीद खानवादे का है, शेख एहसान शेख रमजान, इस मुलजिम को अभी तक के पुलिस ने फरार बताया है। तीन आरोपी जब अरेस्ट होते हैं तो अब इस जाविये का, इस दृष्टिकोण का, इस एंगल का महत्व बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कुछ चीज अभी तफ्तीश के दायरे कार में है, अंडर प्रोसेस है। 161 का विक्टिम मुतासिर अब्दुल मालिक का बयान भी दर्ज है। विक्टिम अब्दुल मालिक ने अपने बयान, अपने स्टेटमेंट में कई लोगों का नाम और तस्करा किया है और अपने डाउट्स अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मुझे ये डाउट है कि मुझ पर फायरिंग प्रीप्लान हुई है। और जिन लोगों को आज पुलिस पेश कर रही है उनमें से कोई भी अगर ये लैंड का मामला है, जमीन का तनाजा है, तो इसमें से कोई भी बेनिफिशियरी नहीं है, कोई भी लाभार्थी नहीं है, किसी को इस जमीन का फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। और मुझ पर अटैक एक सियासी अटैक है। पुलिस को इस जाविये से भी तफ्तीश करना चाहिए, ये अब्दुल मालिक के बयान से जाहिर होता है। लेकिन चूंकि मैटर कोर्ट में सबजुडीज है, स्टेटमेंट जो है कोर्ट का और पुलिस का ये सीक्रेट है, स्टेटमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम उसकी और रुदात डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हम इशारतन वाजे तौर से जो इस स्टेटमेंट का खुलासा है वो आप लोगों के सामने पेश कर दिए। सवाल ये है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में है या गलत दिशा में है, आज इस पर हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि पुलिस जो कार्रवाई वो सुस्त रवि से कर रही है, जो स्पीड तफ्तीश की होनी चाहिए वो स्पीड जो है वो पुलिस ने अभी तक इस मामले में दिखाई नहीं दी। हमें इस मामले में मुकम्मल इंसाफ चाहिए और इंसाफ के हुसूल के लिए, न्याय को हासिल करने के लिए, जस्टिस के अचीवमेंट के लिए हमें
इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने जो जो राइट्स दिए, जो जो हक दिए हैं, हम हमारे उन तमाम हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहीं लगता है कि पुलिस की कार्रवाई की पेशरफ्त स्पीड बराबर नहीं है, तो हम जो है हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो तमाम बातें थी जो आप लोगों के मीडिया के गोश गुजार भी करना था। शहर में भी बेचैनी थी, कई लोग इस मामले को लेकर फिक्रमंद थे, तश्वीश में थे, कई फोन आए, कई लोगों ने रابطہ कायम किया और इस वाक्य की हकीकत और तफसील जानने की कोशिश की। लेकिन मेरे और मेरे खानवादे ने ये कोशिश की कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, पेशेंस का मुजाहरा किया जाए। आजमाइश का वक्त है, आजमाइश में, आजमाइश से बड़ा हमारा सब्र होना चाहिए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पुलिस को भी सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने जब जब हमसे मदद मांगी, जब जब बात करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हमने जो है उनसे रابطہ किया और हमारी बात उनके सामने रखी। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए से उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में खानवादा यूनुस ईसा का साथ दिया, हमारा हिम्मत हौसला बढ़ाया, हमारी धाड़िस बनाई, हमारी मदद की। और ख़ास तौर से मैं उन माँ बहनों का, उन दोस्त अहबाब रिश्तेदारों मुतालिकीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अब्दुल मालिक को अपनी दुआओं में याद रखा, उसकी सेहत के लिए दुआएं की। कुछ लोगों ने रोज़े रखे, कुछ लोगों ने सदकात जो है वो गरीबों में तकसीम किए, और मुसलसल जो है हमारे हालात को जानने के लिए और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुसलसल लोगों का ताता बंधा रहा। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों को जजाए खैर दे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में खानवादा यूनुस ईसा का साथ दिया। गिरफ्तारी से जारी है, ये चीज़ अलग होती है, जांच पर इत्मीनान और एतमाद अलग होता है, तो क्या पुलिस की जांच पे अभी तक आपको भरोसा है? देखिए, पुलिस ने 3 आरोपी एक खानदान के गिरफ्तार किए। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत दिख रही है। सिर्फ हमारा ये बोलना है कि माजी में भी कई मामलात में इस खानवादे का नाम डायरेक्ट शामिल रहा है। 2019 के असेंबली इलेक्शन के बाद से मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के काम करने वाले और उनको इलेक्शन में मदद करने वालों पर हमला होता रहा है, और इस हमले में मुसलसल इस खानवादे के अहम जिम्मेदारों का नाम आता रहा है। मसलन एजाज बेग के घर पर 12 जून 2019 को जो हमला हुआ, उसमें शेख जलील, शेख शफी, शेख रशीद के छोटे भाई और आसिफ शेख रशीद के चचा, और शेख एहसान, शेख रमज़ान, जो अब्दुल मालिक फायरिंग केस में आज पुलिस को मतलूब है, और इससे पहले भी अब्दुल मालिक पर फायरिंग करने के एक 307 के केस के आरोपी है, उन दो लोगों का नाम आया। उसके बाद साबिक मुआविन कॉरपोरेटर शफीक एंटी करप्शन पर जो हमला हुआ, उसमें भी आसिफ शेख रशीद के सगे भाई शेख वाहब शेख रशीद का नाम आया। उसके बाद रिजवान सर पर जो फायरिंग का मामला हुआ, जो उनके घर पर रात के अंधेरे में अंधाधुंध जो है पुलिस फायरिंग की गई,
रिजवान सर ने भी खुले तौर पर जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का काम किया था, उसमें भी प्राइम एक्यूज जो है शेख खलील शेख शफी मरहूम को बनाया गया, जो कि शेख रशीद के सगे भाई है और शेख आसिफ के सगे चचा है। और इस मामले में भी जो है शेख आसिफ के तीन सगे चचेरे भाइयों का और शेख रशीद के तीन सगे भतीजों का नाम है। और इसराइल उस्सू का जो मामला हुआ उसमें भी शेख अकील शेख शफी और अब्दुल मालिक के केस में जो शेख मंसूर शेख बशीर हैं, ये दोनों जो है प्राइम अक्यूज है। कहने का मतलब ये है कि संगीन नौइयत के सियासी दुश्मनी में मुसलसल जो है इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन शेख खलील शेख शफी को जो है अब्दुल मालिक के केस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, शेख अकील शेख शफी को इसराइल इस्सू के मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, और जाफर नगर जो सर्वे नंबर 91 का मामला है इस मामले में भी शेख अकील और शेख रशीद खानवादे के तीन और मुकम्मल चार लोग जो है आरोपी हैं। ज़मीन में के पेपर में खुर्द बुर्द और ज़मीन के पेपर से छेड़छाड़ करने का मामला है। इस मामले में भी छावनी पुलिस स्टेशन में 156(3) से कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद आरोपियों पर गुना दाखिल किया गया। पुलिस ने डायरेक्ट गुना दाखिल ना करते हुए पुलिस जो है मुलजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, इसलिए ज़मीन मालक ने 156(3) से कोर्ट से ऑर्डर लाया। कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद भी पुलिस ने आज तक शेख अकील समेत उस घर के तीन आरोपियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया। ज़मीन मालक ने हाई कोर्ट से 2 हफ्तों में टाइम एक्सपेडाइट कराकर टाइम जो है वो फिक्स कराकर 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई हो और खातियों को मुलजमीन को पुलिस फौरन गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस ने शेख अकील समेत उस खानदान के तीन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की जानिब से इस तरीके का जो रिलैक्सेशन और इस तरीके की जो मदद मिलती है, हमें डर है कि अब्दुल मालिक के मामले में भी पुलिस जो है इस तरीके की जो है कोताही बरत सकती है और कुछ लोगों को जैसे माजी में एंटीसिपेटरी बेल मिली है उस तरीके की जो है पुलिस जो है इस तरीके का रिलैक्सेशन दे सकती है। आपके केस में जो सप्लीमेंट्री जवाब दिया गया उसमें एक एमएलए का नाम भी लिया गया, अगर सप्लीमेंट्री जवाब नहीं है न्याय नहीं देती है तो आप ऊपर कुछ पुलिस के बारे में एक्शन लेंगे, कुछ पुलिस के ऊपर तकरार करेंगे, आपका नाम लिया नहीं जा रहा इसमें? सप्लीमेंट्री जो है अभी तक के कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है, मेन स्टेटमेंट है अभी, और मेन स्टेटमेंट में जो है मैं आज ये बोलना चाह रहा कि ये न्याय प्रविष्ट बाब है, यानी कोर्ट में सब्जुडिस मैटर है, इसलिए 161 के स्टेटमेंट में जिन खातियों का नाम है वो आज मैं कानून यानी का पास रखते हुए उन लोगों का नाम का तस्करा आज मैं नहीं कर सकता। जिस दिन कोर्ट पुलिस जो है कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल करेगी और हम कानूनी तौर से उस दस्तावेज़ को हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसमें किन किन लोगों का नाम है। पुलिस को अच्छी तरीके से मालूम है कि इसमें किन किन लोगों का नाम है, पुलिस ने उन लोगों को अपनी तफ्तीश के दायरा कार में लाना चाहिए। देखिए गिरफ्तारी का मुतालबा और जांच का मुतालबा ये दोनों एक ही मुतालबा है। जिस केस में जिन लोगों का नाम आ जाता है विक्टिम की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से, तो पुलिस का ये दायित्व हो जाता है, ये फ़र्ज़ हो जाता है उनके उन लोगों को अरेस्ट करें और कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ये कोर्ट और मुलजमीन का मामला रहता है सही और गलत को साबित करने का, लेकिन पुलिस आज तक उन लोगों पर पहुंच नहीं रही है। आगे तमाम बातों पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा।